हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मियन किचन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मैंगो खीर की रेसिपी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंगो खीर बनाने के लिए हमने यहाँ एक बर्तन लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं 1 लीटर दूध और इसे हमें हाई फ्लेम पर उबाल आने तक पकाना है। तो दूध में उबाल आ चुका है और अब हमें कर देना है गैस को मीडियम फ्लेम पे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है जब तक इसकी क्वांटिटी आधी नहीं हो जाती। हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है और साइड में जो मलाई जम जाती है उसे हमें निकाल देना है। तो दूध की क्वांटिटी आधी हो गई है और ये अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। अब हमें गैस को एकदम लो पे कर देना है और हमने यहाँ 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है। इससे खीर का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और मिल्क पाउडर को हमें दूध में घोल कर डालना है, नहीं तो इसकी गुठलियाँ पड़ सकती है। मिल्क पाउडर की जगह आप चाहे तो कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, उससे भी खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने मिल्क पाउडर को दूध में अच्छे से घोल लिया है और अब हम इसे डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं शक्कर। हमने यहाँ 1/2 कटोरी शक्कर ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। बस अब हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है और फिर गैस को बंद कर देना है। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इसे हमें ठंडा होने देना है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम मैंगो का पल्प रेडी कर लेते हैं। तो मैंगो का पल्प बनाने के लिए हमने यहाँ 2 आम लिए हैं। आप कोई से भी आम ले सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि आम में रेशे नहीं होना चाहिए। तो हमने मैंगो पल्प बना लिया है और जो दूध की रबड़ी बनाई थी हमने वो भी ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद ये थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसमें मैंगो पल्प मिक्स कर देते हैं। अगर आप थोड़ी पतली खीर खाना चाहते हैं तो आप दूध को थोड़ा कम बॉईल करिए। तो अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो मैंगो खीर बनकर रेडी है, अब हम इसे सर्व कर देते हैं। मैंगो खीर को हम फ्रिज में चिल्ड करके खाते हैं, इससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहे तो इसे 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अब हम इसे सजा देते हैं थोड़ी सी कटी हुई बादाम से। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो मैंगो खीर बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।